तो निपटा लिया भाइयों क्लोजिंग का काम। अभी मेरे को शायद शायद एक बार फिर से जाना पड़ सकता है ब्रांच में। दोपहर को मैं आ गया क्योंकि काम इतना कुछ खास था नहीं, तो मैं बोल के आ गया अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं लंच करने के बाद फिर से चला जाऊँगा, क्योंकि पास में ही ब्रांच है। अपना प्लेट तैयार कर रहे हैं खाने की। तो भैया ब्रांच से तो हम आ गए थे, ब्रांच से आने के बाद हमारे कमरे में गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो हम एक नया कूलर लेने आए। कमलेश भैया आ गए अपने हमें परेशान करने का कूलर, ये वाला। तो भाई रूम पे ले आए हैं अपना अपना कूलर। जब मैं वहाँ पे था बख्शी का तालाब में, वहाँ पे भी ख़रीदा था एक कूलर। अब यहाँ पे अब ख़रीदना ही पड़ा, गर्मी इतनी हो रही है। तो ये कूलर है तो छोटे साइज़ का, 35 लीटर का इसका वाटर टैंक है। ये इसका मोटर ऑन ऑफ का स्विच, ये स्विंग का और ये पंप का, भाई नॉर्मल चीज़ें जो रहती हैं। और यहाँ से अच्छा ये प्लग रखने के लिए है इसमें ढक्कन। ये है इसका वाटर इनलेट इधर, हनीकॉम वाली मैश है जो कि सही रहती है। और ये ऐसे मतलब स्विंग के लिए इधर से भी ऊपर नीचे हो जाता है, और अंदर आप देखेंगे इसमें वो भी स्विंग का है ऐसे ऐसे करने वाला। तो ठीक है करो भैया इसकी अनबॉक्सिंग। ऑन कर। अभी हो गया है हाई पे। कैसी आ रही है हवा? पंप ऑन करो, पंप चलिए पंप। हो गया चलो पंप। आ रही ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी, ऊपर करके देख ले, मैंने नीचे करा था लेटने के लिए। आराम जा। थोड़ी देर उसको खाली चला के रखना पड़ेगा, अभी स्मेल आ रही है इसकी एकदम। जैसे नए कूलर में पानी डाल के तल देना तो उसकी स्मेल आती है थोड़ी सी, वो आ रही है अभी, उसके बाद ठीक चलेगा। तो हम थोड़ा अपने कमरे का सेटअप सही कर रहे हैं। चटाई वगैरह हटा के बिस्तर लगा दिया। अभी थोड़ा ऐसे ही हो रहा, मैसी हो रहा। यहाँ पे कूलर लगा दिया, इसको ना पीछे लगा देंगे क्योंकि जितने पीछे लगाएंगे ना तो उतनी ज़्यादा हवा ये ऐसे स्विंग में जो है मतलब फेंकेगा। इधर अपनी चेयर रख ली थी पहले, उधर रखी हुई थी। इधर ये वार्डरोब रखी हुई है ही, पहले ये एक सिंगल बेड था मेरे लिए, लेकिन फिर जब से प्रकाश भाई आ गए तब मैंने डबल बेड कर लिया। बेड भी क्या, दो गद्दे डाल लिए। और ये नया रूम का टूर मैंने आपको दिया भी नहीं था। यहाँ पर थोड़ा अपने कचरा रखा है, थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए बैंड्स वगैरह तो मेरे रखे हैं, सूटकेस यहाँ पे टांग रखी है मैंने, रस्सी रस्सी पे मैं कपड़े फैल रखे होंगे हमारे लड़कों वाले, दिखाने की ज़रूरत होगी नहीं आपको। अभी मैं एक दोस्त से बात कर लेता हूँ, उसका मैसेज आया था। बचपन का दोस्त है स्कूल का, तो अभी 5 मिनट में मिलते हैं आपसे। तो भैया दोस्त से बात हो गई, अभी हम खाएंगे खाना। और मैंने वीडियो ऐसे पकड़ रखी क्योंकि हमारे कपड़े सूख रहे हैं तार पे, कभी तुम लोगों को दिख जाए। और ये मैंने लगा रखा है कमांडो, थोड़ा मोटिवेशन के लिए।